हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा हर्निया के बारे में। तो जो हर्निया होता है वो दो टाइप का होता है, इंटरनल हर्निया और एक्सटर्नल हर्निया। इंटरनल हर्निया नाम बता रहा है, जो हर्निया बना है वो विद इन द एब्डोमिनल कैविटी बना है। तो होता क्या है, जो हमारे एब्डोमिन के कंटेंट्स हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के ऐसे रीजन में चले जाते हैं जहाँ पर उनकी एंट्री अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हर्निया इन एपिप्लॉइक फोरामेन। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ग्रेटर सैक होता है और एक लेसर सैक होता है, उनके बीच में कनेक्शन होता है एपिप्लॉइक फोरामेन। लूप्स ऑफ जो इंटेस्टाइन होते हैं वो मेनली प्रेजेंट होते हैं ग्रेटर सैक में। तो अगर ग्रेटर सैक से लूप ऑफ इंटेस्टाइन कहाँ चले जाए, हमारे लेसर सैक में एंटर कर जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हर्निया इन एपिप्लॉइक फोरामेन। लेसर सैक में लूप ऑफ इंटेस्टाइन का प्रेजेंट होना ये नॉर्मल बात नहीं है और इसी को हम बोलते हैं हर्निया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल हर्निया, प्रोट्रूजन ऑफ एब्डोमिन कंटेंट थ्रू एब्डोमिनल वॉल। तो देखिए, डायग्राम से आपको समझाऊंगा मैं। ये हमारी एब्डोमिन की वॉल है, ये इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं। सबसे पहले स्किन, देन सुपरफिशियल फेशिया, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, देन पेराइटल पेरिटोनियम, और ये हमारे लूप ऑफ इंटेस्टाइन है एब्डोमिन का कंटेंट। जो ये वॉल है एब्डोमिनल वॉल, ये वीक हो जाती है और बना लेती है सैक। सैक एक पाउच की तरह होता है, खाली सैक बना लेती है। अब सैक के तीन पार्ट्स होते हैं, नेक, बॉडी एंड बिगर पार्ट। तो अभी तक ये हर्निया नहीं बना है। जैसे ही एब्डोमेन का कंटेंट फॉर एग्जांपल लूप ऑफ इंटेस्टाइन इस सैक के अंदर एंटर कर जाता है, इसको हम नाम दे देते हैं हर्निया। हर्निया कंसिस्ट ऑफ सैक कंटेंट एंड कवरिंग। तो ये हर्निया में ये सैक हो गया, ये इसका कंटेंट हो गया। कंटेंट क्या है, लूप ऑफ इंटेस्टाइन, और कवरिंग क्या है, एब्डोमिनल वॉल। कॉम्प्लिकेशंस, तो देखिए हर्निया से कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगे, इससे डिफिकल्टी क्या आएगी। तीन डिफिकल्टी होती है, एक तो इरिड्यूसिबिलिटी, एक ऑब्स्ट्रक्शन और एक स्ट्रैंगुलेशन। इरिड्यूसिबिलिटी में क्या होता है, लूप ऑफ इंटेस्टाइन एक बार उस सैक में चला जाता है और फिर वापस नहीं आता है, तो इसको बोलते हैं इररिड्यूसिबल हर्निया। एक होता है ऑब्स्ट्रक्शन, तो देखिए इसमें मैंने ऑब्स्ट्रक्शन दिखा रखा है। जो ये इंटेस्टाइन का लूप है ये नैरो हो गया है, तो अब यहाँ से जो कंटेंट आ रहा है वो आगे इस पार्ट में नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पे ये ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और ये हर्निया का साइज बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट होता है स्ट्रैंगुलेशन। देखिए स्ट्रैंगुलेशन में क्या होता है, जो हर्निया जितना पार्ट हर्निएटेड हुआ है तो उसकी जो आर्टेरियल सप्लाई है वो ब्लॉक हो जाती है। अब इसकी आर्टेरियल सप्लाई ब्लॉक हो गई तो जो इतना पार्ट है लूप ऑफ इंटेस्टाइन का वो क्या हो जाएगा, नेक्रोज्ड हो जाएगा। आर्टेरियल सप्लाई इज ब्लॉक एंड लूप गेट नेक्रोज्ड। इंटरनल हर्निया के बारे में आपसे बात कर चुका हूँ। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल हर्निया। एक्सटर्नल हर्निया बहुत सारे टाइप्स का होता है, अम्बिलिकल, पैरा अम्बिलिकल, फीमोरल, इनग्वाइनल, एपिगेस्ट्रिक, डाइवरिकेशन ऑफ रेक्टाई, इंसीजनल और लंबर। अब मैं इन सब हर्निया के बारे में आपसे बात करूंगा। आपको याद रखना है फीमोरल और इनग्वाइनल हर्निया बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं अम्बिलिकल हर्निया के बारे में। अम्बिलिकल हर्निया दो टाइप का होता है, कंजेनाइटल अम्बिलिकल हर्निया और एक एक्वायर्ड इन्फेंटाइल अम्बिलिकल हर्निया। तो कंजेनाइटल बाय बर्थ। इसमें क्या होता है, जो लूप ऑफ इंटेस्टाइन होता है वो अम्बिलिकस से बाहर की तरफ प्रोट्रूड करता है और एक हर्निया बना लेता है। एक्वायर्ड इन्फेंटाइल अम्बिलिकल हर्निया, ये इसका डायग्राम है। इसमें ड्यू टू वीकनेस ऑफ अम्बिलिकल स्कार, जो हमारा अम्बिलिकस होता है वो थोड़ा वीक होता है, उसी की वजह से जो लूप ऑफ इंटेस्टाइन है वो उसे बाहर की तरफ प्रोट्रूड करता है, लेकिन जैसे जैसे इन्फेंट ग्रो करता है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा पैरा अम्बिलिकल हर्निया। पैरा अम्बिलिकल हर्निया बिल्कुल सेम है कंजेनाइटल अम्बिलिकल हर्निया में, बस डिफरेंस इतना है कंजेनाइटल अम्बिलिकल हर्निया अम्बिलिकस से बनता है, हर्निएट होता है, प्रोट्रूजन होता है मिडगट लूप का, और पैरा अम्बिलिकल हर्निया के केस में अम्बिलिकस के जो सराउंडिंग एरिया होता है वहां से हमारा लूप ऑफ इंटेस्टाइन बाहर प्रोट्रूड करता है। नेक्स्ट है फीमोरल हर्निया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फीमोरल हर्निया। फीमेल्स के केस में फीमोरल हर्निया ज़्यादा होता है। देखिए हमारा फीमोरल ट्रायंगल होता है, इधर फीमोरल ट्रायंगल के कंटेंट्स होते हैं
फीमोरल नर्व होती है, आर्टरी होती है, वेन होता है और फीमोरल कैनाल होती है। फीमेल्स के केस में ये ज़्यादा कॉमन इसलिए होता है क्योंकि फीमेल्स में पेल्विस जो है लार्ज होता है, ये जो ब्लड वेसल्स हैं मतलब ब्लड वेसल्स हैं वो स्मॉल होती है, और जो फीमोरल कैनाल है वो बहुत ज़्यादा वाइड होती है। अब फीमोरल कैनाल वाइड है तो उससे क्या होगा, जो हमारा एब्डोमेन का कंटेंट है उसके ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि वो फीमोरल कैनाल में एंटर कर जाए और हमारा बन जाता है फीमोरल हर्निया। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे इतना ही बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इनग्वाइनल हर्निया और बाकी जो इम्पोर्टेंट हर्निया है उनके बारे में बात करूंगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि इनग्वाइनल हर्निया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।